Good morning, students. Welcome to the English class. Today we are going to discuss clauses. आज हम English grammar का एक important topic that is clauses discuss करेंगे. और clauses में हम देखेंगे adjective clause, adverb clause and noun clauses. These are the three types of clauses in English grammar. Let us see them. Discuss them one by one. In this video, you will see how they can be used in a sentence. So first of all, let us see phrase versus clause. कि what is the difference between phrase and clause? तो देखिए सबसे पहले a clause is a group of related words containing a subject and a verb. कि जो clause होता है वो group of related words होता है और जिसके अंदर एक subject होता है और एक verb होती है. ठीक है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ फ्रेज. और फ्रेज की से ये डिफरेंट होता है इन दैट अ फ्रेज डज नॉट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब रिलेशनशिप. जो फ्रेज होता है उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब रिलेशनशिप नहीं होती है. क्लियर? नाउ लेट अस सी द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं? अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड बाई इट्स सेल्फ एंड स्टिल मेक सेंस. कि एक जो क्लॉज है जो खुद अपने आप में जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, जिसका अपना एक कोई मीनिंग निकलता है, सेंस निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, इट कैन बी इट्स ओन सेंटेंस. ठीक है, उसका अपना एक सेंटेंस हो सकता है और बी पार्ट ऑफ अ लॉन्गर वन. कि किसी लंबे सेंटेंस का, किसी बड़े सेंटेंस का जो है वो पार्ट भी हो सकता है. जैसे आप यहाँ देखिए, जेरी वॉन्ट्स टू बी द क्वार्टरबैक दिस वीक. ठीक है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है. अब देखिए, जेरी वॉन्ट्स टू बी द क्वार्टरबैक दिस वीक बट जिमी थिंक्स ही विल बी. ठीक है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, बट से जुड़ गया, टू सेंटेंसेस है यहाँ पर. ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का यूज़ किया गया है. यस, अब आप देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को किस तरह से आप और अच्छे से समझ सकते हैं. बाय अ कॉमा एंड अ लिटिल कंजंक्शन एंड बट और नॉर फॉर यट एंड समथिंग. ठीक है, तो बाय अ सेमी कॉलन, बाय इट्स सेल्फ जो है इसे अलग किया जाता है, जो क्लॉज होता है उसे. बाय अ सेमी कॉलन अकम्पनीड बाय अ कंजक्टिव एडवर्ब, जैसे हाउएवर, मोर ओवर, नेवरथलेस, एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, इस तरह के वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के लिए. एंड ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर ऑफन नॉट कनेक्टेड बाय पंक्चुएशन एट ऑल, बट आर सेपरेटेड बाय अ पीरियड. कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं ना, वो पंक्चुएशन से जो है कनेक्टेड नहीं होते, उनका एक सेपरेट जो है सेपरेट पीरियड से वो डिफरेंट होते हैं. नाउ अब हम देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? अ क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड बाय इट्स ओन. जैसे हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज देखा था, वो उसका अपना एक सेंस होता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है. सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो अपने आप में एक सेंटेंस जो है वो नहीं बनाते हैं. ठीक है, तो यानी कि अपने आप का उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है. इट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग. कि वो अपने मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए किसी और चीज़ पर डिपेंड होता है. अ सबऑर्डिनेट क्लॉज ट्राइंग टू स्टैंड बाय इट्सेल्फ वुड बी अ सेंटेंस फ्रेगमेंट. अगर कभी सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने आप में स्टैंड करने का, अपने आप का अर्थ खुद निकालने की कोशिश भी करता है, तो वो सेंटेंस फ्रेगमेंट कहलाता है. सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आर समटाइम्स कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज जो होते हैं उन्हें कई बार जो है डिपेंडेंट क्लॉजेज भी कहा जाता है. तो सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, वी कैन कॉल देम सेम, वी कैन. ठीक है, अब लेट अस सी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए. जैसे देखिए, वाइल द कैंगरू क्रॉस्ड द रोड द टूरिस्ट स्टेज इन साइड देयर कार्स. ठीक है, अब देखिए, द मैन हु इज कोचिंग दैट टीम इज माई फादर. वॉट द टीम नीड्स नाउ इज चैम्पियनशिप. ठीक है, तो ये जो ब्लू वर्ड्स हैं दे ऑल आर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, क्योंकि इनका अकेले का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. ठीक है, आप देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कैन एक्ट एज एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन क्लॉज. जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन क्लॉज, नाउन्स की तरह काम कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी यूजिंग कॉमास विद क्लॉजेस. कि कॉमास को किस तरह से क्लॉजेस की तरह यूज़ करते हैं. टू टाइप्स होते हैं इसके, असेंशियल वर्सेस नॉन असेंशियल. कि कई बार असेंशियल का मतलब होता है विच इज़ मस्ट, और नॉन असेंशियल का मतलब होता है विच इज़ नॉट मस्ट. ठीक है, तो असेंशियल मीन्स नेसेसरी, नो कॉमास, है ना.
जो असेंशियल का मतलब है नेसेसरी, और जहाँ कोई कॉमा नहीं होते, और नॉन असेंशियल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जहाँ दी जाती है तो वहाँ पर आप कॉमास का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है, एवरी प्लेयर हु हिट्स अ होम रन रिसीव्स अ ट्रॉफी, कि हर प्लेयर जो होम रन हिट करता है उसे ये ट्रॉफी मिलती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द प्लेयर्स हु वेरी इन एज फ्रॉम 8 to 12 वर ब्लू। तो यहाँ पर क्या है कि जो पर्पल कलर में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, ये असेंशियल है बताना कि जिनकी एज 8 से 12 तक है वो ब्लू कलर में है, स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ कॉमा की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में सबॉर्डिनेट क्लॉज भी होते हैं, और एडजेक्टिव क्लॉज जो होते हैं वो सबॉर्डिनेट क्लॉज होते हैं, और ये क्या करते हैं, दे मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, और दे बिगिन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस जो होते हैं। जैसे अब हम आगे देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, हु, हूएवर, हुम, हुमएवर, हुज, व्हिच, व्हाट, व्हाटएवर, दैट, वेयर एंड व्हेन, ठीक है, समटाइम्स, है ना, समटाइम्स का मतलब कि कभी कभी जो है इस तरह की चीज़, ये वाले जो वर्ड्स हैं इनका यूज़ होता है। तो ये सारे जो हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए, मैन हु आर इन द कुकिंग कंटेस्ट शुड नो हाउ टू मेक चिली। तो हु का यूज़ हुआ है, ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। ऐसे ही बायोलॉजी इज़ द कोर्स दैट माई अंकल टीचर्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये भी एडजेक्टिव क्लॉज का एक एग्जांपल है। नाउ लेट अस डिस्कस एडवर्ब क्लॉजेस। एडवर्ब क्लॉजेस देखते हैं, एडवर्ब क्लॉजेस भी सबॉर्डिनेट क्लॉज होते हैं, और दे आल्सो मॉडिफाई अ वर्ब, एडवर्ब और एन एडजेक्टिव, ये वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। और व्हाट डू दे टेल, दे टेल अस अबाउट हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, टू व्हाट एक्सटेंट एंड अंडर व्हाट कंडीशन, ये सारी सिचुएशंस के बारे में एडवर्ब क्लॉजेस बात करते हैं, और दे आर इंट्रोड्यूस्ड बाय अ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि इनका जो पहचान होती है वो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू होती है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं ये देखते हैं, आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, वेयर एवर, एज लॉन्ग एज, वेदर, एज सून एज दो, बिकॉज, बिफोर, इवन दो, सिंस, सो दैट, देन, दो, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, अनलेस, अनटिल, एज सून एज, इन ऑर्डर दैट, अनटिल, व्हाइल, सो दे ऑल आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस। एडवर्ब क्लॉजेस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी केम इनसाइड। तो ये क्या है, पहले इंट्रोडक्शन आया है उसके बाद एडवर्ब क्लॉज आ गया है, जैसे कि क्योंकि रेन आ रही थी इसलिए हम अंदर आ गए। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी वेंट टू द फुटबॉल गेम आफ्टर वी एट डिनर। तो हम फुटबॉल गेम खेलने के लिए तब गए व्हेन वी हैड द डिनर। तो रेगुलर ऑर्डर है सेंटेंस का और एडवर्ब क्लॉज का यूज है। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज की बात करते हैं। अ नाउन क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेटिव क्लॉज दैट फंक्शन एज अ नाउन। एक सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होता है जो कि नाउन की तरह काम करता है, वही नाउन क्लॉज कहलाता है। इट कैन डू एनीथिंग अ नाउन कैन डू, मतलब कि वो ये जो क्लॉज होता है नाउन क्लॉज, ये सब कुछ कर सकता है जैसा नाउन करता है, जैसे वो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, नॉमिनेटिव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सारे फंक्शंस जो है नाउन क्लॉज प्ले कर सकता है। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस नाउन क्लॉजेस। नाउन क्लॉजेस कौन कौन से वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो देखते हैं। जैसे हो गया हाउ, If, that, what, whatever, when, where, whether, which, who, whatever, whoever, whom, whomever, whose and why. ये सारे जो words हैं ये noun clause को introduce करते हैं। Let us see
The examples of it, the big question is whether he will finish the marathon. Our next sentence here, everyone knows that Tim runs at least a mile every day. These were the three clauses, noun, adverb and adjective clauses. Now, in the end, I just want you to not to forget the position rules. Position rules kya hai? If the clause begins the sentence, adverb or noun, आपको ये देखना है कि जो आपका सेंटेंस है वो एडवर्ब से शुरू हो रहा है या नाउन से शुरू हो रहा है. और जो इफ़ द क्लॉज फॉलोज अ नाउन, यूजुअली एडजेक्टिव. ठीक है, अगर जो आपका क्लॉज है वो नाउन को फॉलो कर रहा है तो वो यूजुअली एडजेक्टिव क्लॉज होगा. और इफ़ द क्लॉज फॉलोज द वर्ब, अगर आपका क्लॉज जो है वो वर्ब को फॉलो कर रहा है तो वो एडवर्ब या नाउन क्लॉज होगा. सो दीज वर द पोजिशन रूल्स, ये आपको याद रखने हैं. So learn these rules, make notes in your notebook and do practice of this. See you in the next video. Bye-bye.